दिवाली पर इमरान खान और बाबर आजम ने दिया बड़ा बयान, पाकिस्तान में ऐसे मना रोशनी का त्योहार। भारत में कल दिवाली के त्योहार की धूम रही, पूरे देश में कल रोशनी का ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दिवाली का त्योहार अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे मुल्कों में भी बहुत जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी दिवाली का जश्न देखने को मिला, वहाँ भी अच्छी खासी तादाद में हिंदू रहते हैं। भारत और पाकिस्तान की टीमें कुछ दिन पहले क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे के सामने थी, जहां पाकिस्तान ने भारत को करारी शिकस्त दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट करने के साथ लिखा कि जो भी लोग दिवाली मना रहे हैं उनके लिए रोशनी, शांति और प्रेम की शुभकामनाएं। खेल के मैदान से अलग पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में भी दिवाली की शुभकामनाएं दी गयी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के तमाम हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हमारे हिंदू कम्युनिटी के सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी दिवाली की बधाई दी। उन्होंने लिखा, दिवाली के मौके पर सिंध के थरपारकर में हिंदू भाई बहनों के साथ आकर बहुत खुश हूँ। दिवाली की ये रोशनी हमारे घरों और जिंदगियों को भी रोशन करें। हैप्पी दिवाली। पाकिस्तान में विपक्षी नेताओं ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य विपक्षी दल PMLN के प्रमुख शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं। दुआ करता हूं कि रोशनी का ये त्योहार पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और खुशी का जरिया बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो अल जरदारी ने खुद दिवाली मनाते हुए तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की और साथ ही सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में दिवाली मनाने की तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। लोगों ने रंगोली बनाकर और आतिशबाजियां करके दिवाली का जश्न मनाया। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे।